नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं, 18 स्टिचेस, 8 के मल्टीपल फंदे 16 और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो 16 और 2 16 और 2 18 फंदे हो गए। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। ये हमारा बेस लाइन है, तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो पहली लाइन में मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। डिजाइन रॉन्ग साइड से शुरू होती है और ये डिजाइन का पहला लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे एक फंदा उल्टा, सॉरी एक फंदा सीधा। अब उन अपनी ओर करेंगे 2 फंदा उल्टा, 1 और 2, उन दूसरी ओर 2 फंदा सीधा। तो इन 2 फंदों को छोड़ देंगे और इन्हीं 4 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। 2 फंदा उल्टा और 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। दो फंदा उल्टा, लास्ट में 4 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा और लास्ट फंदा जो स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा डिजाइन सेट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिजाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और 2 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। यानी जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे हम उल्टा बुनेंगे। सीधे वाले फंदे को सीधा और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं पीछे की तरफ और ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है। तो इस लाइन में भी हम जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का मेन लाइन है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हम एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए ऐसे देखिए, उंगली में ऐसे धागे को पकड़ेंगे, अंगूठे को ऐसे नीचे लाएंगे और देखिए ऐसे हम एक लूप बनाएंगे। अब लूप बनाने के बाद हमारे पास 2 सिरे हैं, एक ये जो खींच रहा है और एक ये देखिए जो नहीं खींच रहा है। खींचने पर ये सरक नहीं रहा है, ये जो सरक रहा है इसको इधर ही छोड़ेंगे और जो सिरा सरक नहीं रहा है उसको हम दूसरी तरफ कर लेंगे। फिर से देखिए, ऐसे लूप बनाया,
अब हमारे पास ये दो सिरे आ गए हैं, एक ये सरक रहा है ये, और एक जो स्थिर है, खिसकने नहीं रहा है, खिसक नहीं रहा है, इसको हम दूसरी तरफ कर देंगे। ये हमारा वर्किंग थ्रेड है, इसे दूसरी तरफ कर देंगे। अब देखिए, जो दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदा सीधा। छह फंदे को हमने बुन लिया, दो सीधा, दो उल्टा, दो सीधा। अब इस धागे को हम ऐसे इसके इस तरह कर देंगे, और जो हमारा खींचने वाला सिरा है इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे, थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, क्योंकि ये दो फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो दो फंदों को छोड़ेंगे और इन्हीं आठ फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। फिर से देखिए, लूप लिया और जो हमारा वर्किंग थ्रेड है इसको हम दूसरी तरफ कर देंगे, और दूसरे सिरे को हम अपनी तरफ ही रहने देंगे। उसके बाद दो फंदा सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा बुनेंगे, और दो फंदा सीधा। छह फंदा बुनने के बाद ये जो हमारा वर्किंग थ्रेड था इसको हम अपनी तरफ कर लेंगे, और ये जो दूसरा सिरा है इसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा। और अब हमें इधर फंदे बुनने हैं, ये उल्टा फंदा है, इसलिए उन अपनी ओर करेंगे, इसे उल्टा बुनेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा। तो हमारा इस तरह डिजाइन बन के तैयार। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और ये हमारे डिजाइन का पांचवा लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरा फंदा सीधा है, इसे सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर। अब नेक्स्ट फंदा देखिए, दो फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे, दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, यानी जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे, और दो फंदा जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुनेंगे। उल्टे वाले फंदे को उल्टा और सीधे वाले फंदे को सीधा। लास्ट फंदा है जिससे हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट होता है। छठे लाइन में फिर हम जो फंदा सीधा दिखाई देगा उसे सीधा, जो फंदा उल्टा दिखाई देगा उसे उल्टा। सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। सीधे वाले फंदे को सीधा और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये हमारा छठा लाइन कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और ये हमारे डिजाइन का सातवां लाइन है। पहला फंदा स्लिप किया, उन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, यानी सीधे वाले फंदे को सीधा बुनना है और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनना है। तो इस तरह हमारा सातवां लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और यहाँ पे फिर हमारा डिजाइन बनेगा। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा। अब डिजाइन जो है ये इन दोनों डिजाइन के बीच में बनेगा, यानी इन छह फंदों पे बनेगा। तो लूप लेंगे
और वैसे ही हम देखेंगे जो हमारा वर्किंग थ्रेड है उसको हम दूसरी तरफ कर लेंगे। फिर 6 फंदा हम बुनेंगे, 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा। फिर वर्किंग थ्रेड को हम अपनी तरफ कर लेंगे और दूसरे सिरे को ऐसे खींचेंगे, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे। फिर जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है या फिर 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टा। अब यहाँ पे अगर और फंदे रहते तो डिजाइन बनता, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए 18 फंदे ही डाले थे, इसलिए अब इन फंदों पे डिजाइन नहीं बनेगा। और रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उल्टा, यानी 2 फंदा सीधा, 2 फंदा उल्टे का क्रम चलता रहेगा और हर चौथी सिलाई पे ये डिजाइन बनेगा। तो 8 फंदे का और 8 लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है, और इन्हीं 8 लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाए। ठीक है फ्रेंड, कितना सुंदर डिजाइन है और बनाना भी कितना आसान है। तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।